आदरणीय मुख्य अतिथि एवं आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय सपाटी भाई एवं बहनों, आज मैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में दो शब्द कहना चाहता हूँ। गलती की और ध्यान न देवे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन रंग है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान और प्रभुसत्ता का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंगों की पट्टियां है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इस ध्वज के बीच में सफेद रंग की पट्टी है। नीचे में हरे रंग की पट्टी है, जो प्रकृति और सुंदरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इस पट्टी के मध्य में नीले रंग का चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। यह चक्र निरंतरता और प्रगति का प्रतीक है। इस झंडे को मेरा सत सत नमन। मंगल मूर्ति तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे। हमारा धरती की हरियाली है। यह सत्य पथ की उजियाली है। यह बल विक्रम की लाली है। यह पौरुष यह मान हमारा झंडा ऊंचा रहे। हमारा झंडा ऊंचा रहे। हमारा झंडा ऊंचा रहे। हमारा जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।